हैदराबाद के रिंग रोड से सहारा दरवाजा के पास सड़क के बीच में काल भैरव माता के मंदिर व दरगाह को सरकार की तरफ से अतिक्रमण करने में आया। रात 1:30 बजे सेंट्रल जोन और महिधरपुरा पुलिस थाना समेत 800 से 1000 पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती के साथ ऑपरेशन डिमोलिशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन के लिए पुलिस ने सुरक्षा आधार पर रिंग रोड स्थित 2 धार्मिक स्थलों के आसपास 500 मीटर रोड पर बैरिकेडिंग कर दी। इस विध्वंस अभियान का स्थानीय निवासियों ने कड़ा विरोध किया। जनता के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने करीब 14 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी उषा राडा ने इस अभियान की निगरानी के लिए व्यक्तिगत रूप से मौके पर ही कार्यभार संभाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम कुरैशी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सूरत शहर अध्यक्ष। मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि आज जो हुआ है सारा दरवाजा पे एक दरगाह शहीद की है, वो सरकार ने कौन से कायदे से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने की है, क्या हिसाब से किया है, कल सुबह में उसकी जो अगुवाई लेके उस पर कायदे सर काम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे हम सब। और पूरी आवाम, मेरे भाइयों से गुजारिश है कि शांति बनाए रखें, जज्बाती ना हो, इसलिए कि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोई काम किया है तो उसको देख लिया जाए कि कौन सी ऑर्डर से किया है, क्या कहां से ऑर्डर है, सरकार ने क्या ऑर्डर दिया है या कहां से कौन सा ऑर्डर आया है, के खिलाफ इंशाल्लाह हमारे पास कोर्ट है, हमारे पास संविधान है, हम उससे लड़ेंगे और इंशाल्लाह अगर लड़त में हम कामयाब भी होंगे। पर आप इस पर खास तवज्जो दें कि अपने शहर में शांति और अमन बनी रहे। उसके साथ एक मंदिर भी उन लोगों ने शहीद किया है, तो दोनों तरफ से ये एक काम किया गया है, इसको समझना जरूरी है। समझने के बाद हम कायदे के काम करेंगे और इस पे आप सबका साथ चाहिए, पर जज्बात से नहीं, थोड़ा सोच समझ कर। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस देश के कायदे को मानने वाले लोग हैं और इस देश के संविधान से ही हम आगे बढ़ेंगे, कायदे से इंशाल्लाह काम करेंगे। फिर से एक बार कहता हूँ कि भाई जज्बात में आके कोई भी काम ना करें।